हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ जूनियर से, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सील इवॉल्व होती है डीव गॉन्ग में इन हे मॉन्स्टर पार्क। ये वैसे तो ज़्यादातर प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती, हमने इसे वेबसाइट से डाउनलोड किया था मेरे भाई ने। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज कैसे होती है सील इसमें डीव गॉन्ग में। तो वैसे दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि डीव गॉन्ग आखिर है कौन। डीव गॉन्ग एक छोटा सील टाइप पकवान है जो आइस टाइप हमले कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो उसे वाटर टाइप में माना जाता है। लिंक मैं शायद डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप देख लेना। और ये रहा हमारा ड्यूगोंग। तो अब मैं आपको बताता हूँ ड्यूगोंग के बारे में। ड्यूगोंग एक वाटर टाइप और आइस टाइप है, और इसके पास हाँ वाटर टाइप और आइस टाइप भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पावर अप करने के लिए दोनों पिन बॉल सकते हैं। तो मैंने अभी इसे ब्रेक तो किया ही नहीं है। वेयर वैल्यूज भी इसकी अच्छी हैं। लेट्स सी इसके बाद कौन-कौन से अटैक हैं। इसके पास है हेडबट 70 पावर का, अरोरा बीम 65, रेस्ट, अरे यार इस रेस्ट तो बहुत ही क्लास, ठीक है इसकी 100% पावर है एक्यूरेसी। आइस बीम, तो देखते हैं इसे लेवल अप होने के बाद कौन कौन से अटैक मिलते हैं। ग्रोल, टेक डाउन, और ये कौन सा है, सेफ गार्ड। दोस्तों अगर आप सेफ गार्ड के बारे में नहीं जानते तो बता दो, वो एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली गार्ड है जो फायर टाइप और रॉक टाइप हम लोगों को भी रोक सकता है। इसकी टाइप है, नाम है डीगोंग, और रेयरिटी इसकी ए है। ये रेयरिटी का खासियत ये है कि इससे पता चलता है कि आखिर कौन सा पोकेमॉन कैसा है। वो मेरा वाला डीगोंग जेंडर मेल है, वाओ मुझे भी नहीं पता था कि ये मेल है। खैर तो दोस्तों अगली बार मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पॉलीवर्थ में कैसे इवॉल्व होता है उसका पहले रूप से उसके आखिरी रूप तक। तो उसके पहले दोनों रूप कौन है, अगर आप बता सके तो कमेंट्स में बताना। शुक्रिया धन्यवाद एंड जय हिंद।